नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, रक्षाबंधन से पहले मिला बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे लाखों रुपए। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि हम किन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले लाखों रुपये की खुशखबरी दे दी है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए आ गई है अच्छी खबर। मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन से पहले महंगाई भत्ते के एरियर की पहली किस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खाते में डाल देगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 8 महीने का एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा। अब जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर जुलाई, अगस्त, सितंबर में दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 मार्च 2024 को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आदेश दिए थे, जिसके साथ कर्मचारी का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 40% हो गया था। सरकार के आदेश के बाद वित्त विभाग ने 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया था और महंगाई भत्ते के 8 महीने का एरियर 3 किस्तों में देने की बात कही थी, जो अब जुलाई, अगस्त और सितंबर में कर्मचारियों को दिया जाएगा। दोस्तों जनवरी 2024 में 4% डीए बढ़ने से सरकारी कर्मचारी की सैलरी में 620 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस हिसाब से जुलाई में 2 महीने का एरियर दिए जाने पर कर्मचारी के बैंक खाते में 1240 से लेकर 16000 रुपये तक आए। 3 किस्तों का एरियर मिलने पर 1860 रुपये से लेकर 24000 रुपये तक कर्मचारियों के अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।